Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to tell you how to use henna for getting perfect hair color. You can see my hair color. So, कैसे लगा मेरा हेयर कलर? अच्छा लगा ना? बहुत लोगों का ऑब्जेक्शन है कि वो हेना तो यूज करते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग देयर परफेक्ट कलर. सो दैट्स व्हाई दे आर थिंकिंग दैट दे हैव टू गो पार्लर फॉर गेटिंग केमिकल ट्रीटमेंट. तो एक ही बारी में उसका हेयर कलर भी आ जाएगा, बाल बहुत सिल्की शाइनी भी हो जाएगा. बट केमिकल ट्रीटमेंट कराने से क्या होगा, पहली दफा में तो आपके हेयर बहुत सिल्की शाइनी कलर सब कुछ आ जाएगा बट कुछ ही दिनों के अंदर हेयर की जो कंडीशन है वो बहुत खराब हो जाते हैं, है ना. तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पा सकते हो परफेक्ट कलर यूजिंग हेना. तो उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करनी है. हेना तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं बट क्या होता है, कलर नहीं आते. बट अगर मैं जैसे बता रही हूँ उसी तरीके से आप हेना लगाओगे तो यू हैव टू गेट कलर, यू हैव टू. तो चलो दिखाती हूँ कैसे हेना को प्रिपेयर करते हैं. आई वांट टू क्लियर यू समथिंग दैट इज, डोंट थिंक इन फर्स्ट एप्लीकेशन यू आर गेटिंग द परफेक्ट कलर. नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये केमिकल ट्रीटमेंट तो है नहीं. सो इसीलिए पहली एप्लीकेशन में आपको परफेक्ट कलर नहीं मिलेगा. एटलीस्ट 2 to 3 एप्लीकेशन के बाद ही आपको परफेक्ट कलर मिलेगा. इन माई केस क्या होता है, मैं ऑलरेडी बहुत दिनों से हेना अप्लाई कर रही हूँ. अभी मैं विद इन 15 डेज या 20 डेज के अंदर अप्लाई नहीं करती हूँ, 2 मंथ 3 मंथ भी चले जाते हैं कभी कभी. तो फिर भी मेरे हेयर पे कलर रह जाती है, अभी भी है. बट इन योर केस अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो हेना या फिर कलर ही नहीं है, आपके हेयर पूरा ब्लैक है, आप हेयर कलर करना चाहते हो, तो फिर आपको 2 to 3 टाइम्स तो पक्का यूज करनी है. सो आप अगर आज यूज कर रहे हो तो आफ्टर 15 डेज फिर से एक बार यूज करनी है. तो देखना थोड़ी बहुत कलर आएगा, फर्स्ट टाइम पे कुछ कुछ कलर आएगा बट हाँ बहुत कलर नहीं आएगा. बट आफ्टर 15 डेज जब फिर से यूज करोगे सेकेंड दफा में तो आएगा, किसी का बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और किसी का कुछ कलर आएगा, नॉट टू मच, ओके. बट अगर आप थर्ड टाइम, दैट मीन्स आफ्टर 15 डेज इसी जब आप थर्ड टाइम यूज करोगे तो देखना दैट टाइम यू विल गेट योर परफेक्ट हेयर कलर. दैट मीन्स विद इन 45 डेज यू आर गेटिंग योर परफेक्ट हेयर कलर. और वो जो हेयर कलर आप यूज करोगे वो जाएगा नहीं जल्दी से, वो रह जाएगा. आपको कोई जरूरत नहीं है विद इन 15 डेज आप फिर से अप्लाई करो, देन आप 1 मंथ 2 मंथ के बाद में भी अप्लाई कर सकते हो. ये जो प्रोसीजर मैंने बताई ये जरूर फॉलो करना फॉर गेटिंग परफेक्ट कलर. और अभी मैं दिखाऊंगी कि कैसे आपको हेना को प्रिपेयर करनी है, लगानी है, रखनी है कि नहीं, ये वो. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले मैं पानी को अच्छे से उबाल के उस पर चाय पत्ती दे दूंगी और अच्छे से उबालूंगी जब तक ना इसके कलर डार्क ब्राउन हो जाए. तब तक आप यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर की भी यूज़ कर सकते हो. उसके बाद मैं ले लूँगी हेना पाउडर, ये सोलिमो ब्रांड की है, दैट मीन्स अमेजन की ये खुद की ब्रांड है सोलिमो. आप यहाँ पे दूसरी ब्रांड के भी यूज़ कर सकते हो. ये तो मेरा पहली पैकेट है, इससे पहले मैं कोई और पैकेट यूज़ करती थी, मतलब कोई और दूसरी ब्रांड की हेना यूज़ करती थी. ये पहली यूज़ है, ये अच्छी है, तो आप ये भी ले सकते हो, कोई और ब्रांड की भी ले सकते हो. तो आपके हेयर के लेंथ के वाइज जितनी अमाउंट लगती है आपको हेना पाउडर वो ले लेना है. मेरे लेंथ के वाइज मुझे इतनी ही लगती है तो मैंने इतनी ले ही ली. उसके बाद इसके साथ मैं मिक्स करूँगी वो जो चाय के लीकर. तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के पूरे रात के लिए छोड़ दूँगी. नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं इसको यूज़ करूँगी. तो देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसका ये जो थिक पेस्ट बन के रेडी हो चुकी है. और इसको मैं अभी ये बाउल पर इसको मैं ले लूँगी. उसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड. अगर आपके हेयर की लेंथ ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा कर्ड ले सकते हो. उसके बाद मैं मिलाऊँगी 1/2 टेबलस्पून ऑफ सरसों का तेल. जी हाँ, सरसों की तेल बहुत ही अच्छी है. मैंने यहाँ पे नारियल का तेल भी यूज़ कर चुकी हूँ बट उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं सरसों का तेल जब देते हो, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं. तो सरसों का तेल मस्ट और कलर भी अच्छे आते हैं. मेरा हेना की जो पेस्ट है बनके रेडी है फॉर एप्लीकेशन. तो अभी मैं लगाऊंगी हेना. तो सबसे पहले मैं अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लूँगी.
हेना लगाने से पहले अच्छी तरह से बालों को डिटेंगल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेक्शन कर लूँगी और ये रहे मेरा हेना, ना बहुत पतली है ना बहुत थिक, ऐसे ही कंसिस्टेंसी में हेना पेस्ट को रखनी चाहिए। उसके बाद मेरे क्राउन सेक्शन से कुछ हेयर स्ट्रैंड को ले लूँगी, उसके बाद ऐसे राउंड राउंड करके घुमा के उसको रख दूँगी। और देखिए एक बार लगाते ही मेरा हाथ की कलर। उसके बाद धीरे धीरे साइड के सेक्शन ले लूँगी और ऐसे ही अच्छे से लगाऊंगी हेना की पेस्ट को और फिर से उसको राउंड राउंड घुमा दूँगी। और ये मैं हेना को स्कैल्प पे नहीं लगाती हूँ क्योंकि हेयर स्ट्रैंड को कलर करनी है, तो इसीलिए हेयर स्कैल्प पे मैं हेना नहीं लगाती हूँ। आई डोंट नो वाई, बट मुझे अच्छा नहीं लगते कि हेना को स्कैल्प पे लगाना। दूसरे टाइम मैं क्या करती हूँ, कभी ऑयल को स्कैल्प पे मसाज कर लेती हूँ या फिर हेयर सीरम जो बनाती हूँ वो लगा लेती हूँ और हेयर स्ट्रैंड पे हेना लगाती हूँ। बट अभी फ़िलहाल मेरे पास तो कोई हेयर सीरम नहीं है, बना के नहीं रखी हूँ मैं, सो इसीलिए लगा नहीं पाई, तो ओनली हेना को ही लगा रही हूँ हेयर स्ट्रैंड पे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप स्ट्रैंड के साथ स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ऑलमोस्ट मेरा सारे हेयर जो है मैंने लगा ली है, कंप्लीट कर दी है, ऐसे राउंड राउंड करके घुमा के पूरे लगा लिए। अब जो बचा कुचा है उसको लेके हेना की पेस्ट जो जो सेक्शन पे नहीं लगी है उस सेक्शन पे भी मैं हेना की पेस्ट लगा लूँगी। लगाने के बाद मैं 2 to 3 hours के लिए रखती हूँ हेना, अगर मेरे पास टाइम होता है तो 3 hours के लिए, नहीं तो 2 hours के लिए। और शावर कैप पहनना बिल्कुल भी मत भूलना, शावर कैप बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाई शावर कैप लगाई थी, तो ये देखिए मेरे हाथ की कलर कितना डार्क हो चुके हैं। मैंने हैंड वॉश लगा के आई फिर भी वो कलर नहीं गई। तो 2 घंटे के बाद मैंने अपने हेयर वॉश कर ली विथ नॉर्मल वाटर, नो शैम्पू नो कंडीशनर कुछ भी नहीं लगाई आ गई। मैं नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश की है, ना कोई शैम्पू ना कोई कंडीशनर, जस्ट नॉर्मल वाटर से अपनी हेयर को वॉश करनी है। उसके बाद मैं टैंगल फ्री कर लूँगी। तो ये यहाँ पे मैं हेयर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। जनरली मैं हेयर ब्रश ही यूज़ करती हूँ क्योंकि जब से हेयर ब्रश यूज़ करना स्टार्ट किए मैं कोम बहुत कम यूज़ करती हूँ, रिटैंगल करने के लिए हेयर ब्रश बहुत अच्छी है। उसके बाद लगा लूँगी ये करी लीव्स ऑयल, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ अपनी चैनल पर, बहुत अच्छी है ये मानसून सीजन के लिए, आप ज़रूर इसे ट्राई करना। और ये देखिए मेरे हेयर की कलर में पीछे से दिखा रही हूँ अपनी हेयर कलर कितनी आई है। उसके बाद मैं ऑयल को पूरे हेयर पे लगा लूँगी, पहले स्कैल्प पे एंड देन हेयर पे। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल जो आपके पास है वही ऑयल लगा लो, एंड देन पूरे रात ऐसे ही सोना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको शैम्पू करनी है, तो मैंने शैम्पू कर ली है और देखिए मेरे कलर, अभी तक मैंने कॉम्ब नहीं की है तो जस्ट कलर दिखाने के लिए मैं आ गई हूँ छत पे। तो बट देखिए मेरे स्कैल्प के साइड के जो हेयर है वो कलर नहीं हुई है क्योंकि मैं यहाँ पे तो हेना नहीं लगाई थी इसीलिए, बट साइड के जो स्ट्रैंड है वहाँ पे अच्छे से कलर हो चुके हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ऐसे जैसे प्रोसीड्योर में मैंने दिखाई वैसे ही ट्राई कीजिए, ज़रूर आपके हेयर कलर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, और अगर कुछ भी और भी कोई क्वेश्चंस है तो फिर कमेंट कर लो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी आप लोगों को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।